सोच है। इसके अलावा आपने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, सुसाइड जो बच्चे करते हैं उसको लेकर भी चिंता जो जाहिर की थी, कैसे मन में ये पीड़ा आई आपके पास में? ये पीड़ा इसलिए है कि माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चा 16-17 साल का होता है, थोड़ा सा एक पेपर बिगड़ा या कोई विषय में वो फेल हो गया, बहुत दुख होता है कि वो सुसाइड कर लेता है उस डर के मारे या भय के मारे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों को भी, माता पिताओं को भी ये अनुरोध करूंगा कि बच्चों पर प्रेशर ना करें, फोर्स ना करें कि आपको ये पढ़ना है ये करना है, उनको स्वतंत्र छोड़ें। आजकल एक नारा चल रहा है ना, आज़ादी, वो इस बात पे सबसे पहले लागू होता है। तो कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट और बच्चे जो है वो प्रेशर में आते हैं या उनको एक हीन भावना उनके अंदर आती है कि मैं फेल हो गया, मेरे साथी आगे निकल गए, तो उनको एक ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि एक हार से कोई फकीर या एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। अगर आप फेल हो गए तो आगे और अवसर हैं, आपके पास बेहतर अवसर हो सकते हैं। सुसाइड करना किसी बात का कोई समाधान नहीं है। मैं छात्रों को हमेशा ये कहता हूँ कि आप मजबूर ना बने, मजबूत बने। क्रिकेट